ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम स्पाई नोट को अपने विंडोज मशीन पर इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं एंड कैसे हम एंड्रॉइड मोबाइल को आउट ऑफ नेटवर्क कैसे उसको अटैक कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपको करना है कि अपने विंडोज मशीन पर आ जाना एंड विंडोज मशीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको रेडमी टेक्स्ट फाइल में आपको स्पाई नोट का लिंक मिल जाएगा। इसको आपको अपने सिस्टम में इसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद गाइस आपके सामने तीन फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। फोल्डर क्रिएट होने के बाद आपको करना कि अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम पोर्ट मैप से इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। मैं यहाँ पर पोर्ट मैप आपको क्यों सजेस्ट करता हूँ गाइस, क्योंकि ये पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए काफी बेस्ट वेबसाइट है। इस पर आपको स्टैटिक आईपी मिलती है, ठीक है, तो इसका हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए यूज लेंगे। एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ओपन वीपीएन की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ से आप ओपन वीपीएन भी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए गाइस करना क्या, ओपन वीपीएन की वेबसाइट पर आना। वेबसाइट पर आने के बाद गाइस यहाँ पर जो विंडोज 10, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट में जो विंडोज 10 दिख रहा है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से नेक्स्ट 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 करके उसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। इसके साथ साथ आपके सिस्टम में जावा 8 इंस्टॉल है, जैसे आप जावा 8 की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। रेडमी टेक्स्ट फाइल इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो सिंपल जो विंडोज X64 है ये आपको डाउनलोड कर लेना। अगर आपका X86 है अपने अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट मेजोरिटी यहाँ पर जो X64 ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैंने इन सबको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एंड डाउनलोड करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर पोर्ट मैप पर। पोर्ट मैप पर चलने के बाद यहाँ से हम पहले तो इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। एंड मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर हम स्पाई नोट को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्पाई नोट को स्टार्ट करने के लिए गाइस करना क्या, सिंपल से इस पर आपको डबल टैप कर देना एंड डबल टैप करने के बाद यस पर क्लिक कर देना आपको। एंड जैसे यस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपके सामने स्पाई नोट की विंडोज ओपन हो जाएगी। गाइस याद रहे यहाँ पर आपको पहले ही पोर्ट सेलेक्ट कर लेने, डबल फोर को हटा के आपको अपने अकॉर्डिंग पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा गाइस आप 333 एंड 31 ही पोर्ट सेलेक्ट करें, ये काफी बेस्ट पोर्ट होता है। इसके बाद इसको यहाँ से आपको ओके कर देना, ठीक है। एंड ओके करने के बाद इन सबको आपको अलाउ कर देना। ओके गाइस, यहाँ से मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के गाइस आपको करना है दोबारा आपको यहाँ पर टूल्स पर आपको क्लिक कर देना। एंड जैसे टूल्स पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पेलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको जावा का पाथ सेलेक्ट कर लेना। आपको जावा का पाथ कहाँ पर मिलेगा गाइस, अगर आपने जावा 8 इंस्टॉल कर लिए, नेक्स्ट 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 करके आपने 8 इंस्टॉल की होगी, उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना एंड आपको बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर बैक आना है, इस बार दोबारा आपको बैक आना है एंड फिर आपको बैक आना है। एंड बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर जो प्रोग्राम फाइल्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जावा का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम जावा 8 यूज कर रहे हैं तो जावा 8 पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना है बिन वाले फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। सॉरी एक मिनट, बिन वाले फोल्डर पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर java.exe फाइल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन इसको आपको ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ से पेलोड क्रिएट कर लेना है। पेलोड क्रिएट करने के लिए गाइस आपको करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर विक्टिम का नाम है, यहाँ पर विक्टिम के नाम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, या फिर सर्विस नेम आप कौन सा रखना चाहते हो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, वर्जन कौन सा रखना चाहते हो वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके बाद आइकन, आइकन आप अगर चेंज करना चाहते हो तो सिंपल से सेलेक्ट आइकन पर आपको क्लिक कर देना एंड जो भी आइकन इसके पास होंगे अवेलेबल स्पाई नोट के पास वो आइकन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ आइकन का, आप अपने अकॉर्डिंग आइकन कर सकते हो। गाइस यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ, मैं फिलहाल में सिंपल वाला आइकन ही रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको चलना गाइस डीएनएस इन्फॉर्मेशन पर एंड यहाँ से आपको आईपी एड्रेस एंड पोर्ट सेलेक्ट करने। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट कहाँ से सेलेक्ट करो गाइस, उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर ब्राउजर पर आना, दोबारा से आपको पोर्ट मैप पर आ जाना एंड यहाँ से हम यहाँ पर अपना पोर्ट सेट कर लेते हैं। हम ऐसे यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल से क्रिएट ए न्यू कॉन्फिगरेशन पर आपको क्लिक कर देना, जो कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस में देखा था, हमने आपको बताया था मेटास्प्लोइट का, बोटनेट का, उन वही सेम यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट नेम फिलहाल यहाँ पर मैं दे देता हूँ गाइस नीतू। ओके, यहाँ पर प्रोटो में आपको सिंपल से टीसीपी कर देना, यूडीपी को चेंज करके टीसीपी रख देना। कमेंट में गाइस आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे एक्स वाई जेड देता हूँ। इसके बाद सिंपल से जनरेट के बटन इसमें क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से हमारे ओपन वीपीएन के लिए एक फाइल जनरेट हो जाएगी। सिंपल इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड करने के बाद गाइस करना इसको क्लोज कर देना यहाँ से। एंड क्लोज करने के बाद गाइस आपको चलना है मैपिंग रूल्स के अंदर, ठीक है। एंड मैपिंग रूल्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको पोर्ट सेट कर लेने। सबसे पहले तो क्रिएट न्यू रूल्स पर आपको क्लिक कर देना एंड क्रिएट न्यू रूल्स पर जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ से आपको अपना पोर्ट सेट कर देना। तो हमने स्पाई नोट में गाइस जैसे स्पाई नोट ओपन हुआ था तो हमने वहां पर पोर्ट दिया था 333 एंड 31। गाइस याद है आपको यही पोर्ट देना है। इसके बाद सिंपल से क्रिएट पर आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ से जो आपका जो रूल्स है वो क्रिएट हो जाएगा।
देख सकते हो गाइस हमारा रूल्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो एड्रेस दिख रहा है यहां से होस्ट से लेकर ये जो नीतीश कुमार तक एड्रेस दिख रहा है, सिंपल इसको कंट्रोल सी से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको स्पाई नोट को ओपन करना है, एंड स्पाई नोट को ओपन करने के बाद यहां पर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूं। पेस्ट करने के बाद आपको पोर्ट सेट करना है, पोर्ट ऐड करना है। तो गाइस पोर्ट यही रहेगा जो हमारे पास है 3, जैसे कि आपको दिखा दूं 3 5 7 6 5, ये हमारे पास पोर्ट है, क्योंकि हमने हमारा जो पोर्ट मैप से हमको ये पोर्ट असाइन हुआ है, ये पोर्ट हमने पोर्ट मैप से हमको मिला है, ठीक है। एक मिनट यहां से मैं देख लेता हूं, होस्ट को मैं यहां पर ऐड करना भूल चुका, नहीं तो यहां पर एरर्स आ जाते, वीडियो आगे बढ़ते तो यहां पर कनेक्शन नहीं आ पाता, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, ठीक है। ओके कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोपर्टीज पे चलना है, एप्लीकेशन को आपको हाइड करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए अगर विक्ट्री एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करें, एप्लीकेशन लॉन्च हो उसके साथ साथ वो हाइड हो जाए, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। की लॉगर का ऑप्शन है, मान लीजिए अगर की लॉगर पर वो अपना एक्सेसिबिलिटी की परमिशन इसे दे देता है, तो उसके व्हाट्सएप जो भी मतलब टाइपिंग वगैरह होंगी या फिर जो भी फोकस वगैरह होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती रहेगी। बट फिलहाल हम एक सिंपल सा पेरोड क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल से आपको बिल्ड के बटन पर आपको क्लिक कर देना, एंड यहां से आपको बिल्ड पर क्लिक कर देना, एंड देखते हैं गाइस कि एप्लीकेशन बिल्ड होता है कि नहीं, एंड देखते हैं कोई एरर्स तो आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, एंड हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होता है कि नहीं सक्सेसफुली, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा गाइस, इसको एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं। ओके गाइस, सो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है जावा से रिलेटिव। गाइस आपको याद रहे, जब आप इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो तो आपको फायरवॉल एंड विंडोज की जो डिफेंडर प्रोटेक्शन है उन सबको आपको टर्न ऑफ कर देना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरे साथ भी ये हुई थी, मैंने विंडोज के डिफेंडर को तो ऑफ कर दिया था, बट उसकी फायरवॉल को मैंने ऑन रख दिया था, तभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर एरर्स आ रहे थे। अब यहाँ पर हम दोबारा आपके सामने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं, एंड देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन अब सक्सेसफुली बिल्ड होता है कि नहीं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा गाइस, इसको एक बार कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो कहीं मैं पॉज नहीं करूंगा, आपके सामने पूरा अपनी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देख सकते हो क्लाइंट नाम से हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार जूम कर देता हूं, एंड गाइस यहां से आप देख सकते हो क्लाइंट नाम से हमारा जो स्पाई नोट का एप्लीकेशन बिल्ट हो चुका है। तो इसको करना क्या क्या, तो इसको करना क्या गाइस, अब इस एप्लीकेशन को आपको अपने विक्टिम के पास सेंड कर देना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं गाइस करता हूं, इसको एक बार मैं यहां से मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है, एंड इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, एंड इसको भी यहां से मैं अभी के लिए फिलहाल मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, एंड इसको भी यहां से मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना है गाइस, जो आपने ओपन वीपीएन को जब इंस्टॉल किए थे, अब आपको अपने वो ओपन वीपीएन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए गाइस करना क्या है, सबसे पहले यहां से आप ओपन वीपीएन जीयूआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, सॉरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद यहां से आपकी एक आइकन बन जाएगा, ट्रे पर आपका एक आइकन बन जाएगा। सिंपल इसको आपको राइट क्लिक कर देना, एंड इम्पोर्ट फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है गाइस। इम्पोर्ट फाइल्स पर क्लिक करने के बाद आपको चलना डाउनलोड्स के फोल्डर पर, जहां पर आपने वीपीएन की फाइल डाउनलोड की थी। देख सकते हो गाइस, यहां पर हमने वीपीएन की फाइल डाउनलोड की थी, इस पर आपको क्लिक कर देना, एंड सिंपल से ओपन पर आपको क्लिक कर देना। फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, ओके कर देना इसको। ओके करने के बाद दोबारा इस पर आपको राइट क्लिक कर देना, एंड कनेक्ट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना, ओपन वीपीएन को आपको कनेक्ट कर लेना। तो देख सकते हो गाइस हमारा ओपन वीपीएन कनेक्ट हो रहा है, एंड इसको कनेक्ट होने के बाद हमारे एप्लीकेशन को हमारे एंड्रॉइड मोबाइल पर हमें इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाला हूं, एंड देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली आता है कि नहीं, ठीक है। देख सकते हो गाइस सक्सेसफुली हमारा ओपन वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा एप्लीकेशन है उसको मैं मेरे एंड्रॉइड मोबाइल पर इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ, तो आपको मैं 2 मिनट आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए चलते हैं यहाँ पर हम फाइल्स के सेक्शन पर, एंड फाइल्स के सेक्शन में चलने के बाद यहाँ से हमारा एप्लीकेशन है, सिंपल से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉइड मोबाइल में जो कि हमारा लेनोवो K8 प्लस मोबाइल है, इसमें यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंटरनल स्टोरेज भी चलते हैं, एंड यहाँ पर मैं किसी एक फोल्डर में इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ बैकअप के फोल्डर में, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो चलते बैकअप के फोल्डर के अंदर, एंड यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस यहां से पेस्ट हो चुका है। अब आपके सामने मेरे एंड्रॉइड मोबाइल की मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको दिखा देता हूँ, एंड यहां पर मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, एंड देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली बनता है कि नहीं।
तो इसके लिए मेरे एंड्रॉइड मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं। एंड यहाँ से हम चलते हैं फाइल्स के ऑप्शन पर। फाइल्स के ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, क्लाइंट नाम से एप्लीकेशन जनरेट हो चुका है। इसको सिंपल से मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कनेक्शन आता है कि नहीं, तो सिंपल से इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। एंड इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस याद है अभी तो ये एफयूडी नहीं है, एफयूडी के कॉन्सेप्ट में आपको इसकी पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। देख सकते हो गूगल सर्विस नाम से एप्लीकेशन आ चुका है। सिंपल से मैं इसको एक बार टैप करता हूँ। टैप करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास कनेक्शन आता है कि नहीं। यहाँ पर मेरे विंडोज पर आप देख सकते हो गाइस, देखते हैं कि कनेक्शन कितनी देर में बनता है ये हमारा। ओके गाइस यहाँ से आप देख सकते हो गाइस हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन आ चुका है, लेनोवो K8+ मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक करके गाइस यहाँ से आप देख सकते हो फाइल्स मैनेजर सब कुछ यहाँ से आप उसके रीड कर सकते हो। ठीक है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ और भी चीजें, यहाँ से फाइल्स मैनेजर, SMS, कॉल, कॉन्टेक्ट मैनेजर सब कुछ यहाँ से आप उसके रीड कर सकते हो। देख सकते हो गाइस मेरी सारी की सारी फाइल मैनेजर सब कुछ यहाँ से आपके सामने शो हो चुकी है। तो इस तरीके से स्पाई नोट वर्क करता है। इस तरीके से आप स्पाई नोट का यूज लेके किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल को आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर सकते हो। सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, एप्लीकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल है उनकी भी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस यहाँ पर आपके विंडोज के परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है कि कितनी आपकी विंडोज की परफॉर्मेंस हाई है। मेरे पास थोड़ी सी विंडोज की परफॉर्मेंस थोड़ी लो है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन या फिर ये जो लिस्ट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है देखो गाइस व्हाट्सएप, मीडिया फायर, मैसेंजर, पावर डायरेक्टरी, ये सारी सारी जो एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल है। तो इस तरीके से आप स्पाई नोट का यूज ले सकते हो एंड किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल को आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर सकते हो। तो कैसी ये वीडियो की मुझे जरूर बताना। एंड मिलता हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुश रहिए, खेलते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।